हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल पीएस ऑन कैमरा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली एक ऐसा इनिशिएटिव जो कि हमारे लिए एज वेल एज़ हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सो मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, दैट्स वाई आई एम शेयरिंग इट। एंड आई एम 100% श्योर कि आप लोगों को भी ये जानकर ये देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा, बिकॉज एवरी पर्सन लव्स आवर एनवायरनमेंट, नो डाउट। सो ऑन द ओकेजन ऑफ 15th of August, जहाँ मेरे हस्बैंड वर्क करते हैं जिस कंपनी में, वहाँ पे उनको ये बैचेस मिल दिए गए। और इस बैच की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके अंदर सीड्स अवेलेबल हैं प्लांट्स के, और उसको अगर हम रोप दें मिट्टी में तो डेफिनेटली वो बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट बन जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी 15th August या 26th January ऐसा कुछ ओकेज़न आता है तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं और ऐसे बैचेस एंड ऑल बहुत ज़्यादा परचेज़ करते हैं मार्केट से और बहुत शौक से उसको वेयर करते हैं। एंड जब उसके बाद या तो हम उसको कहीं रख देते हैं या फिर प्रॉपरली डिस्कार्ड कर देते हैं। बट इसका बेनिफिट ये है कि अगर हम इसको डिस्कार्ड भी कर रहे हैं तो अगर मिट्टी में हम डाल भी दे रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि सीड जर्मिनेट होके अच्छे प्लांट में चेंज हो जाएगा। तो ये है वो बैच, एंड इसके पीछे ये इसमें मेंशन भी किया हुआ है कि सारी चीज़ें कि गमले में आप डाल सकते हो और ये प्लांट बन जाएगा बिकॉज इसके अंदर सीड है। और ये जो इनिशिएटिव लिया गया कंपनी की तरफ से, उसमें मेंशन था दैट द थीम इज़ सस्टेनेबल इज़ अटेनेबल। सो डेफिनेटली सस्टेनेबल जो भी है, जो कि बिना हमारे एनवायरनमेंट को हार्म किए और ऐसे प्रोडक्ट्स को, ऐसी चीज़ों को यूज़ करना जो कि हमारे एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुँचाए, तो डेफिनेटली वो हम सबके लिए अच्छा है। सो मुझे तो ये जो इनिशिएटिव है बहुत ज़्यादा पसंद आया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दोज पर्सन जिन्होंने इतना अच्छा सोचा। और हमें भी मतलब सोच के अच्छा लग रहा है कि एक ऐसे कंपनी के साथ हम वर्क कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, जहाँ पे कि इतनी अच्छी सोच के साथ काम किया जाता है। सबसे पहले तो इसको क्लीन कर लें हम पॉट को, बिकॉज़ बारिश की वजह से बहुत सारे घास वगैरह आ गए इसमें। और ये पॉट वैसे भी हमारा फ्री पड़ा था एंड अब इसका यूज़ भी हो रहा है कि नहीं। तो इसके पीछे का जो पिन था मैंने निकाल लिया है। और दूसरी बात, इसको फाड़ने की भी ज़रूरत नहीं, इसको वैसे भी डाल देंगे तो ये ऑटोमेटिकली डीकम्पोज हो जाएगा और उसके बाद सीड जर्मिनेट हो जाएगा। ये पिन पकड़ोगे ना, सो ये था मेरा आज का वीडियो और यही मैं आप लोगों के साथ ये मैसेज शेयर करने वाली थी। बिकॉज मैंने जैसे कि बताया, मुझे पर्सनली ये इनिशिएटिव बहुत पसंद आया। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा हो। इन फ्यूचर आप भी ट्राई करो ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने का। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन डेफिनेटली हिट द लाइक बटन एज वेल एज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। And I feel very proud to celebrate our 75th Azadi ka Amrit Mahotsav like this way. Jai Hind, Jai Bharat.